तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने वॉइसरॉय से कहा कि मूवमेंट को रोको, ये गांधी की टीआरपी को बढ़ा रहे हो, रोको मूवमेंट। रीडिंग वॉइसरॉय था, उसने कहा सर हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये जो सत्याग्रही है ना, ये भजन गा रहे हैं सर सड़क पे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब जो आदमी आपके लिए दुआ मांग रहा है, मैं आपके सामने गन लेके खड़ा हूं, आप कह रहे हो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे दे, तो अगर मेरे अंदर इंसान है तो मैं आपका पैर छू लूंगा, तो मारने का सवाल ही नहीं उठता। नाथूराम गोडसे को मारना ही था, जिन्ना को मार दिया होता, जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में, क्योंकि जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम लीडर उस मूवमेंट को चलाने वाला था ही नहीं। नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया ना, मारेंगे ना भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया। प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा अरविंद, गांधी जी कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को, इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को। 1927 विक्की पुरुषोत्तम दास ठाकुर, 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा एशिया में। गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो। गांधी को गाली देकर तुम तोप बन रहे हो? दाऊद इब्राहिम को दो, जो बाबा जी गाली दिए थे गांधी जी को, मैं उनको अपने कई वीडियो में मैसेज भेजा हूं कि बाबा जी आपके घर में झाड़ू लगाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम को गाली दो। चौराचौरी में क्या हुआ, थाना ही तो जला था, इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे और 20 पुलिस वालों को? सरकार एक्शन में आ गई, लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए, उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं। अंग्रेजों ने कहा एक हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं। सरकार पे हमला था, वो गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार, एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे, अरे थे या नहीं थे, तो देखे ना लड़कों को जो मारे गए कैसे जो रो रहे थे लड़के। गांधी जी का पार्टीशन में रोल नहीं है, गांधी जी का पार्टीशन को ना रोक पाने में रोल है। पार्टीशन तो होता ही, पार्टीशन तो होना ही था, अंग्रेज अमेरिका किसी भी कीमत पर पार्टीशन कराता, किसी भी कीमत पे, क्योंकि उसको एक खिड़की चाहिए थी जो ईरान से अटैच हो।